कल हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे हमने डिटेल्स के बारे में देखा था कि वीडियो क्या होती है और फ्रेम रेट्स पर सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है, रेजोल्यूशन और साइजेस में क्या फर्क होता है। इसके अलावा टाइम कोड, प्रोजेक्ट विंडो को बड़ी डिटेल में देख लिया हमने कल। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि कैसे हम जो है वो डिफरेंट लाइसेंसिंग के बारे में देख सकते हैं कि वीडियोज के लाइसेंसेस क्या होते हैं। और फिर हमने जो है वो सोर्स जो हमारी विंडो है उसको बड़ा डिटेल में देखा था कि सोर्स विंडो का क्या यूज है, और जो प्रोजेक्ट विंडो थी उसको भी हमने देख लिया था। तो हमने जो है वो ये वाले साइड जो है द लेफ्ट साइड ऑन प्रीमियर, इसको हम देख चुके हैं और आज हम इस साइड को देखेंगे। स्टार्ट हम करते हैं आज अगेन सीक्वेंस से। मैंने पहले भी काफी दफा आप लोगों को बता दिया कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस वो तरतीब होती है जिस तरतीब के अंदर हमारी वीडियो हमें फाइनल आउटपुट फॉर्म में चाहिए होती है। कि हमारे पास लेट्स सपोज, जैसे इस इंपोर्ट में हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 अराउंड 9 9 के करीब हमारे पास वीडियोस हैं, और हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में यानी कि एक तरतीब में हमारी वीडियोस आए, तो उसी से वर्ड सीक्वेंस निकला है। और नया सीक्वेंस बनाने के दो तरीके थे, एक यह है कि आप इसको जब यहाँ से ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू सीक्वेंस बनाने की ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मेरी तरह जो है वो थोड़े सुस्त हैं और आप चाहते हैं कि ये तमाम काम आप ना करें, डायरेक्ट आप जो है वो काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर सीक्वेंस बना सकते हैं। और मैंने जो है वो कल एक टास्क भी इसी बारे में दिया था। अच्छा, तो जब हमने सीक्वेंस बना लिया है, अब हम आते हैं इस जगह पे। अब हम थोड़ी वर्किंग इस जगह पे करेंगे और इसी टाइमलाइन विंडो में हम इन टूल्स को यूज करते हुए कुछ वीडियोस को एडिट करेंगे। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब मैंने लेट्स सपोज मैं तीनों वीडियोस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अब आप देखें कि आपको यहाँ पे ना एक लाइन नजर आ रही है जो कि दो पोर्शन को ऊपर नीचे डिवाइड कर रही है। ठीक है, आप देखें इस लाइन के ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक ये जगह तो सेम है लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और इस लाइन के नीचे जो है ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे वीडियो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक क्या होता है, हमारी कोई भी एक वीडियो, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं लेयर, यानी कि हम इस लेयर में जो हमारे इसके ऊपर पहली लेयर है इसको हम कहेंगे हमारा फर्स्ट ट्रैक है, यानी कि इसके अंदर हम एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं और फिर हम इन वीडियोस के ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे मैंने इसको यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर दिया है, उसको मैं स्टार्टिंग में ले गया हूँ। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ लेयरिंग की, वो क्या है लेयरिंग? ये है कि मैं इसके ऊपर जाके, ये देखें एक मैंने ना, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में कि ये क्या चीज़ है, टेक्स्ट कैसे डालते हैं इसमें। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ लेयरिंग का कॉन्सेप्ट कि देखें ये हमारी वीडियो थी और उसके ऊपर मैंने एक जो हमारे टेक्स्ट है उसकी एक लेयर बना दी है। ठीक है, लेयर से मुराद ये है कि उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो एक ये खुल गया। अगेन मैं बड़ी तेजी से ये चीजें गुजार रहा हूँ क्योंकि हमने इसके बारे में बड़ा डिटेल में देखना है, क्योंकि टूल्स के सेक्शन में आ रहा है ना, तो अभी हम सिर्फ टाइमलाइन में बात कर रहे हैं और मैं लेयर आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ कि दिस इज माई सेकेंड लेयर। अब देखें, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इस वीडियो के ऊपर एक लेयर बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट रख दिया है। ठीक है, आप इस लेयर को मैं लाइक इस वीडियो के मुताबिक कर देता हूँ, जैसे ये मेरा सेकंड लेयर है। और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अगेन इस चीज के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, आपको अभी जो है इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक इसके ऊपर एक टेक्स्ट लेयर बना दी है और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और लेयर बनाऊँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो भी यहाँ पे आ जाए, तो मैं लोगो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ, कोई भी लोगो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देखें मैं इस लोगो को यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है,
ये मैं कैसे लेकर आया हूँ इस बारे में हम बात करेंगे बाद में। जैसे ये भी मैं एक GDSE प्याज का एक लोगो ले आया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इसको रख दूँ, ठीक है। अब आप देखें कि एक और लेयर बन गई है, ठीक है। इस तरह मैं इसके ऊपर अनलिमिटेड लेयर्स चढ़ा सकता हूँ, मजीद इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, कोई इफेक्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट ये एग्जांपल आपको बताने का मकसद यह है कि आपको समझ आ जाए कि लेयरिंग क्या होती है, ठीक है। ये हमारा पहले लेयर जिसमें हमने वीडियो रखा, वीडियो रखी, उसके ऊपर हमारे टेक्स्ट लेयर है, उसके ऊपर लोगो की लेयर है, और फिर अगेन इसको हम आगे मजीद लेयर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाके यहाँ इस पोर्शन पे लाके मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे आके ऐड ट्रैक, एक नया ट्रैक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगेन एक और ट्रैक, आप इजीली अनलिमिटेड ट्रैक्स बना सकते हैं इसमें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ज्यादा जो है वो एलिमेंट्स हैं तो आप इजीली इन पे ट्रैक्स बना सकते हैं। ओके तो मेरे ख्याल से आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम कैसे इसमें मजीद एक ही वीडियो के ऊपर मजीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये उसी तरह जो है वो परफॉर्म करता है कि जैसे ये फर्स्ट लेयर है ना, इसके ऊपर सेकंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर, तो जो सबसे टॉप पे लेयर होगी ना वो बाकी तमाम चीज़ों को छुपा रही होगी। जैसे मेरा ये लोगो है ना, ये लोगो जो मेरा है ये सबसे टॉप पे है, तो अगर इस लोगो को मैं इस टेक्स्ट पे ले आऊं तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट को ओवरकम कर रहा है। देखें ये इसके ऊपर आ गया है, वो क्यों ऊपर आया, क्योंकि इसकी लेयर सबसे ऊपर है। तो जिस चीज को आप सबसे ऊपर रखना चाहेंगे अपनी वीडियो में उसकी लेयर भी आप सबसे ऊपर बनाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा लोगो है ये इस टेक्स्ट के नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लाइक इस लेयर को मैंने उठा के ऊपर रखा, इस लेयर को मैंने इधर रख दिया और फिर इस लेयर को उठा के मैंने नीचे रख दिया। तो अब देखें कि जब ये लेयर नीचे आई है तो हमारा जो लोगो है वो इस टेक्स्ट लेयर के पीछे चला गया है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, कि जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही आपको वीडियो में ऊपर शो हो रही होगी। अब मैं इस वीडियो को ऊपर ले आऊं तो देखें जो वीडियो की लेयर है वो ऊपर आ गई है, तो तमाम जो हमारे एलिमेंट्स थे वो छुप गए। तो ये चीज आपने बड़ी इस पे आप इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही वीडियो में ऊपर शो हो रही होगी। अगेन मैं इसको नीचे ले जाता हूँ फर्स्ट लेयर पे और देन सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। लोगों को मैं अगेन रिसेस कर लेता हूँ, सॉरी वीडियो पर वीडियो के लेयर बना सकते हैं, लाइक टू वीडियोस की को ब्लर करके एक टाइम चला, जी बिल्कुल कर सकते हैं और हम इसके बारे में हम देखेंगे। इसके ऊपर इस लेयर में आप कोई भी चीज ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। इस लेयर में आप कोई ग्राफिक, कोई इफेक्ट, कोई ग्रीन स्क्रीन, और अगेन इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप दूसरी वीडियो ला सकते हैं, उन वीडियोस को ब्लेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि, जैसे अभी मैं इन दोनों को इनविजिबल कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि इस वीडियो, एक वीडियो चल रही है ना, इस लेफ्ट कॉर्नर में एक और वीडियो चल रही हो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल है, जो आपके जहन में एक बात आ रही है ना वो यहाँ पे पॉसिबल है इस प्रीमियर में, ठीक है। लिमिटेशन आपके सिस्टम में होंगी, हो सकता है कि वो इफेक्ट जो है वो आपका सिस्टम अफोर्ड ना कर सकता हो, लाइक उसमें GPU की जरूरत हो, लेकिन प्रीमियर हर चीज को सपोर्ट करता है, आपकी जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में ला सकता है, ठीक है। प्रीमियर इतनी पावर है इस सॉफ्टवेयर में, और इसी वजह से ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। जो हमारा फाइनल कट प्रो है मैक में, उसमें एक लेवल पे आके लिमिटेशन आ जाती है आपके पास, जो डाविंची रिजॉल्व है जिसमें मूवीज कलर ग्रेड हो रही है, वो भी एक लेवल पे आके लिमिटेशन आ जाती है उसकी। लेकिन इसमें आप कोई ना कोई ऐसा तरीका निकल आता है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेयरिंग की बात कर हम कर रहे थे, अभी आपको मैंने समझा दिया है कि लोगों को मैं ऊपर ले जाता हूँ और टेक्स्ट की लेयर को मैं नीचे ले आया हूँ, लोगों को मैं छोटा कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, अब हमने लेयरिंग की बात कर ली है यहाँ पे, और अब आप जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस लाइन से ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं ये वीडियो ट्रैक्स या लेयर्स हैं, ठीक है, और इस लाइन से नीचे की जितनी भी लेयर्स हैं ये ऑडियो ट्रैक्स या ऑडियो लेयर्स हैं। इस पे आप मल्टीपल ऑडियो चला सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी वीडियो है, ठीक है, इसमें कोई ऑडियो नहीं है इस वक्त,
ये आपको शो हो रहा होगा कि इसमें जो इसकी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी हम इस पे आएंगे कि कोई और वीडियो अगर इसमें ऑडियो होती तो वो कैसे शो होती, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें जस्ट कोई ऑडियो नहीं है, वो जो नीचे शो हो रही है ना वो इस वजह शो हो रही है क्योंकि हमने एक वीडियो इंपोर्ट की है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके सोर्स में लेके जाए ना, जैसे ये वीडियो है, अगर मैं सिर्फ इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आता तो देखिए सिर्फ वीडियो आई है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली पूरी वीडियो को उठा के लाया हूँ तो इसके साथ एसोसिएटेड एक ऑडियो फाइल थी जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो भी आ गई। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इस लाइन के नीचे जितने भी ट्रैक्स हैं ये हमारे ऑडियो ट्रैक्स हैं, और हमने जब ऊपर वीडियो ट्रैक्स ऐड किए तो उसी तरह दो ट्रैक्स हमारे पास ऑडियो के भी ऐड हो गए। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं आपको वीडियो ट्रैक्स के कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। अभी आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये है लॉक और अनलॉक का। ठीक है, अगर आप इसको लॉक कर देते हैं इस ट्रैक को, इस लेयर पे जो भी कुछ होगा वो लॉक हो जाएगा, यानी कि आप देखें इस ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये तो सिलेक्ट हो रहा है लेकिन ये लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही, यानी कि इसको मैंने लॉक कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं लेयर्स में, और लेकिन अगर आप एक लेयर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जो मेरा लोगो है ना, इसकी फाइल, ये फाइल मेरे से गलती से भी अगर क्लिक हो जाए ना तो इसको कुछ हो ना, ये इसी तरह यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे पड़ी रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे आप इस लेयर पे कुछ भी करते रहे तो ये इफेक्ट नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीजें बड़ी तेजी से इंपोर्ट कर रहे होते हैं लेयर्स पे, और अभी तो मुझे नजर आ रहा है कि जैसे लोगो है, लेकिन जब ये टाइमलाइन मेरी बहुत पॉपुलेटेड हो जाएगी, यानी कि इस पे कोई 10-15 वीडियोस यहाँ पे आ गई और हमने हर वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगाया हुआ है, कुछ लोगों को इफेक्ट, कोई नीचे हमने ऑडियोज लगा दिए, कुछ डिफरेंट तरह के म्यूजिक्स लगा दिए, तो फिर हमारी ये लेयर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगी, ये सारी लेयरिंग है ना। तो फिर हमें जब हम वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे, और फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट कहता है कि यार आपने जो ना इस फ्रेम पर, यानी कि इस जगह पर आपने जो फॉन्ट यूज किया था ना वो मुझे पसंद नहीं आया, आप उसको चेंज करो, तो आप बजाय इसके कि तमाम वीडियो को छेड़ें, आप देखें यहाँ से कि वो जो हमारी लेयर है, लेट्स सपोज ये लेयर यहाँ पे मौजूद थी ना, वो कह रहा है कि इसको चेंज करो, तो आप आइडेंटिफाई करें कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस लेयर पे मौजूद है। ठीक है, उसको रहने दें, बाकी तमाम लेयर्स को आप लॉक कर दें ताकि आपकी बाकी वीडियो है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने लॉक नहीं किया तो फिर होगा ये कि गलती से आप किसी और ट्रैक को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें कोई चेंजिंग कर देंगे, फिर आप ढूंढ रहे होंगे कि यार वो चेंजिंग मैंने कहाँ किया, और फिर आपके लिए वो जो है वो टाइम के ज़िया का सबब बनेगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो ये लॉक अनलॉक का मैंने आपको बता दिया कि इसका फायदा क्या है। जिस लेयर को भी आप लॉक करेंगे वो लॉक हो जाएगी, उस पर कोई भी चेंजिंग आपसे वो अगर गलती से क्लिक भी हो जाता है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सेम इज द केस विद ऑडियो ट्रैक्स, यहाँ पे भी आप ऑडियो को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जब हम वीडियोस एडिट करेंगे तो लॉक अनलॉक जब यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं इसकी अहमियत के बारे में इतना क्यों बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। लॉक अनलॉक की बात हो गई, अब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी से मुराद क्या है कि आपको इस ऑडियो ट्रैक में यहाँ पे ये आई का जो है ना आइकन शो हो रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आप एक ट्रैक को इनविजिबल कर सकते हैं। इनविजिबल से मुराद यह है कि आप चाहते हैं कि यार अभी मैंने टेक्स्ट तो इस पे ऐड कर दिया लेकिन आपको अभी श्योर नहीं है कि यार आपकी जो ऑडियो ट्रैक है वो किस सेकंड से लेकर किस सेकंड तक मैंने ऐड करनी है ना, तो अभी आपको ये बार इरिटेटिंग लग रहा है, आप चाहते हैं कि यार अभी फिलहाल अभी के लिए ये चीज मेरी नजरों से जो है वो गायब हो जाए और बाद में मैं इसको दोबारा इसमें ऐड कर लूंगा, तो आप बजाय इसके केस को यहाँ से डिलीट करें और फिर इसमें ऐड करें, आप जस्ट इसको यहाँ से इनविजिबल कर दें। ठीक है, अभी वो लेयर यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, इनविजिबल कर दिया, तो वो आपको शो नहीं हो रही। अब आप जो भी आपने एडिट करनी है, आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैक आए, इसके आगे आप कोई और वीडियो लेना चाह रहे थे, ठीक है, तो आप चाह रहे थे कि दोनों पे सेम ही टेक्स्ट हो लेकिन जो हमारे वीडियोस हैं वो मैं चेंज कर लूँ, अभी भी आपको तसल्ली नहीं हुई, आप मजीद कम करना चाह रहे हैं और इसको साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप इजीली इसको अपना काम करके वापस इसको विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये विजिबल और इनविजिबल का ऑप्शन समझ आ गया होगा। सेम इस द केस विद, अगर आप लोगों को इनविजिबल रखना चाहते हैं और वीडियो के एंड में फिर आप इस लोगों को जो है वो विजिबल करेंगे,
तो इसके डिफरेंट फवायद है, जगह जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी समझ आ गई होगी आपको कि ये विजिबल और अनविजिबल का जो है वो क्या मकसद होता है। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि ये टॉगल सिंक लॉक क्या है। अच्छा, ये जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इसका एक यूज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो आपको जो है वो काम आएगा। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपने इस वीडियो में से इतना सा पार्ट, लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक का पार्ट आपने कॉपी करना है, ठीक है, और यहां पे कहीं आपने पेस्ट करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो इतने से पार्ट को सिलेक्ट करें, यानी कि अभी तक जो हमने टूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आके इसको जो है वो इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर ये करेंगे कि इसकी सोर्स विंडो में जाएंगे आप। अच्छा, सॉरी, ठीक है, जैसे सोर्स विंडो आ गई, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से मार्क इन मार्क आउट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले आएंगे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये मार्क इन एंड देन यहाँ का पार्ट मार्क आउट, तो इतना सा पार्ट आप लाना चाह रहे हैं तो इसको आप इजीली यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा कर्सर है इसी को यूज करते हुए हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हमें, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कल, वो ये है कि जैसे आप इसको देखें, इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं ना, ये कम कर रहे हैं, तो आप ऊपर अपनी प्रोग्राम विंडो में देखें, प्रोग्राम विंडो से मुराद यहाँ पे जो हमारे इसी टाइमलाइन के ऊपर जो हमें शो हो रही है, तो आप इसको ड्रैग करते हैं ना तो ऊपर आपको ना मूवमेंट नजर आ रही है उस वीडियो में, ये आपका एंडिंग फ्रेम है, यानी कि जिस जगह पे आपकी वीडियो एंड हो रही है ना, जो कर्सर मेरा मौजूद है, तो ये उसका थंबनेल आपको शो कर रहा है। तो आप इजिली यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये चिड़िया इस वक्त जो है वो एक स्पॉट के ऊपर उड़ रही है, अब वो चिड़िया जो है वो दूसरी भी बैठ गई इसके ऊपर ना, तो आप चाहते हैं कि यहाँ तक लाइक यहाँ पे ये उड़ रही है एंड देन यहाँ पे वो बैठ गई है, तो आप यहाँ तक लाना चाह रहे हैं, तो इजिली आप जो है वो इसको इसकी मदद से देख सकते हैं कि वो मेरा फ्रेम कहाँ तक आएगा। तो हम इसकी मदद से भी ये कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ से जो है वो इतना सा क्रॉप करें और फिर इसको इसके ऊपर ले आए, ठीक है। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाया होगा। टाइम किस तरह जाया होगा कि आपने दो स्टेप्स किए, लाइक कट एंड कॉपी का जब आपके ऑप्शन मौजूद है तो आप क्यों अपनी पूरी वीडियो को खराब कर रहे हैं। उसमें फिर ये होगा कि आपको दोबारा जाके शायद इस वीडियो को जो है वो ओपन करना पड़े और फिर उसको सेट करना पड़े कि यार मुझे इस लेयर पे कितनी वीडियो चाहिए और इस लेयर पे वाली वीडियो कितनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आसान ऑप्शन है वो क्या है कि आप इसको लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक की वीडियो को आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और अभी मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, रेजर टूल, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। जस्ट आपको मैं ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है V1 V4, ये जो इसको क्या कहेंगे, इसका मुझे नाम तो अब नहीं याद कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है आपको नजर आ रहा है, इसको मैं इसका यूजेस बता रहा हूँ, तो इस टूल को मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है, तो आपके पास एक कट आ गया। इसको हम रेजर टूल को देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है। तो मैंने कट लगा के इसको यहाँ से क्या किया है कि कॉपी कर लिया है, या सिंपल इसको सेलेक्ट करके आपने Ctrl+C अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना इस जगह पे आकर ये वीडियो पेस्ट हो जाए। अब देखें, मैंने सेलेक्ट कौन सा ट्रैक किया हुआ है, V1, अभी मैंने अनसेलेक्ट कर दिया और ये जो है वो इसका डिफॉल्ट है। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि V1 सेलेक्ट था, अभी देखें मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया था ना, अभी मैं इस फ्रेम पे जाके जब Ctrl+V कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, इसी ट्रैक पे इसने उस वीडियो को पेस्ट कर दिया, ओवरराइट कर दिया, नीचे वाली वीडियो गायब हो गई है। देखिए इस जगह पे जाके ये वीडियो चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसने ओवरराइट कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये इसी ट्रैक में इसको पेस्ट ना करे, ये इस ट्रैक में पेस्ट करे जो हमारे पास खाली है, या इस ट्रैक में, या हो सकता है किसी भी ट्रैक में आप उसको पेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यहां से आपने वो चीज कॉपी की, मैं इसको अनडू कर रहा हूं, अगेन इसको मैं कॉपी किया, आप चाहते हैं कि इस ट्रैक में पेस्ट हो इस फ्रेम पर, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से अनसेलेक्ट किया और जिस ट्रैक पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है।
और फिर आपने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है, तो देखें वो जो हमारी वीडियो है वो कहाँ पेस्ट हुई है, उस ट्रैक में जाके। आई थिंक ये चीज़ भी आपको बड़ी इजीली समझ आ गई होगी, मुझे बता दें अगर किसको समझ जाए तो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर हमने दोनों सेलेक्ट किए हुए तो अब क्या होगा, अब प्रेफरेंस इस वाली को मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वी फोर में सेलेक्ट ये पेस्ट हो, तो आपने नीचे वाले तमाम ट्रैक्स को अनसेलेक्ट कर देना है। सेम इज द केस विद ऑडियो, के देखिए इस वक्त तीनों ऑडियो ट्रैक्स सेलेक्टेड हैं, तो इसने क्या किया, इसी ऑडियो ट्रैक में इसको पेस्ट कर दिया। नहीं आई समझ? ओके, अगेन मैं समझाता हूं आपको, इसको मैं अंडू कर देता हूं। देखें मैं चाहता हूं कि सिंपल आप इस रिजल्ट को भूल जाएं कभी, ठीक है। सिंपल मैं चाहता हूं कि ये मेरी एक वीडियो थी जिसको मैं लाना चाह रहा हूं इस वीडियो के ऊपर किसी जगह पे। मैं मजीद सिंपल करने के लिए आपको समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये वीडियो है ना, छोटी हो गई है इसको मैंने, ये कैसे छोटी हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप चाहते हैं कि जैसे यहां से लेकर यहां तक की जो हमारे पास वीडियो है ना, इसके ऊपर इतना सा जो ये जो वीडियो का पोर्शन था वो भी यहाँ पे शो हो, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा जो यूट्यूब पे कोर्सेज होते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें किसी ना किसी जगह पे ना वो जो आपको टीचर सब पढ़ा रहा होता है, तो उसकी उसका फेस भी जो है वो शो हो रहा होता है। तो उन्होंने ये किया होता है कि उन्होंने अपने ट्रैक के ऊपर, जैसे ये हमारे नीचे वाले सपोज कोर्स की वीडियो है कि यहाँ पे वो कोर्स कुछ पढ़ा रहा है, या उसने कोई वो व्हाइट बोर्ड यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और वो चाहता है कि किसी कॉर्नर में उसकी उसका फेस भी शो हो, तो वो यही करेगा कि वो अपना जो है ना एक दूसरी वीडियो को उठाकर इसके ऊपर वाली लेयर पर रख देगा। तो इस जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये अब इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। अब ये तो हमने डायरेक्ट इसके ऊपर किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे वीडियो को हम वीडियो के एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ये लोगो है ना मेरा, ठीक है, इसको मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, सही हो गया, और मैं इसको यहाँ पे लाके बड़ा ट्रैक बनाता हूँ। अब मैं चाह ही जाऊं कि यहां से लेकर यहां तक की ड्यूरेशन में मेरा लोगो शो हो, जैसे ये शो हो रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहां से लेकर यहां तक की ड्यूरेशन में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की ड्यूरेशन में बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, तो मैं लोगो को हाइड करना चाह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगेन यहां से लेकर नेक्स्ट जो हमारे वीडियो है उस पे दोबारा लोगो शो हो। तो इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप बार बार जाके इस जो हमारी विंडो है प्रोजेक्ट विंडो, इधर से जाके लोगो को उठाएं और फिर यहां पे पेस्ट कर दें, ये भी तरीका है। लेकिन आसान तरीका क्या है कि आप इसको जाकर कॉपी करें, जैसे ये एफएक्स पे आपने रख के जो है वो राइट क्लिक नहीं करना है, इसके बाहर राइट क्लिक करना है, तब ये ऑप्शन खुलेंगे। तो जैसे इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे आपने दोबारा इस जगह पे पेस्ट करना है, तो आप अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये वाली लेयर इज प्रेफर्ड फॉर द इंसर्शन एंड ओवरराइट, ठीक है, अगर आपने इस लेयर को प्रेफर किया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि वो इस लोगो को इस लेयर पर पेस्ट कर देगा, जैसे अभी इसने कर दिया। इस केस में हुआ क्या है, देखें यहां तक तो वो वीडियो ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही यहां पे आएगी तो पीछे वाली वीडियो गायब होगी और लोगो सिर्फ शो हो रहा है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस ट्रैक में अब वो वीडियो मौजूद ही नहीं है, उसकी जगह लोगो आ गया है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि ये जो हमारे लोगो वाली ऑब्जेक्ट है ये थर्ड ट्रैक पे यहाँ पे पेस्ट हो। तो वो कैसे करेंगे कि वो हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और जिस ट्रैक पे आपने पेस्ट करनी है कोई भी चीज, वो वीडियो हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकती है, आपने उस ट्रैक को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब ये जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे जो है वो जब कंट्रोल प्लस पी से पेस्ट करूँ, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करूंगा, तो देखें कि उसने वो लोगो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ से तो वो लोगो शो हो रहा है, इस ड्यूरेशन में वो लोगो शो नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे वो दोबारा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इतना सा ड्यूरेशन फिर शो ना हो, फिर वो यहाँ पे पेस्ट कर दे, फिर पेस्ट कर दे, तो इस तरह वो देखें उसने
जो है ना पोर्शन में पेस्ट कर दिए। इसकी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप लोगों ने YouTube वीडियोस देखी होंगी जिसमें अक्सर यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं बार बार ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉलोअर्स हमारे जो है वो बढ़ाएं, कमेंट्स करें ना। कुछ यूट्यूबर्स कह नहीं रहे होते, वो क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो में ना किसी जगह पे इमेज डाल देते या कोई ग्राफिक डाल देते हैं जिसपे लिखा लाइक वो माउस जो है वो जाकर शो हो रहा होता है कि वो बंदा सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कुछ ड्यूरेशन से आपको वो आइकन बार बार दिखा रहे होते हैं। वो इसी तरह कर रहे होते हैं कि उन्होंने, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगी वो बात, ठीक है। थोड़ा समझ टाइम दे, मैं इसको ना इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, मैंने ये डाउनलोड कर लिया और मैं आपको ना इसको दिखाता हूँ। अब देखें, मैंने ये चीज़ डाउनलोड की, ठीक है। इस चीज़ को मैं भी इनविजिबल कर देता हूँ ताकि आपको बाकी तमाम चीज़ें इनविजिबल कर दी मैंने, सिर्फ आपको वीडियो शो हो रही है। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी वीडियो स्टार्ट हो ना, यहाँ से अब वीडियो स्टार्ट होगी मेरी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मेरा ये सब्सक्राइब वाला जो हमारा इमेज है ना, ये शो हो इस जगह पे, ठीक है। और थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए शो हो और फिर वो गायब हो जाए। जैसे आप देखें, वीडियो स्टार्ट हुई, सब्सक्राइब वाला इमेज आया और फिर गायब हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तकरीबन इतनी ड्यूरेशन के बाद यहां पे वो चीज दोबारा शो। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को यहां से सेलेक्ट करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया, और क्योंकि मेरा मैं चाहता हूं कि इसी ट्रैक पे यहां पे पेस्ट हो, क्योंकि नीचे वाली चीज को मैं ओवरराइट नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको अनसेलेक्ट करके इसी ट्रैक को सिलेक्ट करके यहां पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए, वो दोबारा पेस्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पे दोबारा वो, या यहाँ पे दोबारा, तो अब वो क्या हो रहा है कि वो ड्यूरेशन से वो आपको शो हो रहा है। देखें, तो ये एक तरीका है कि आप कैसे लेयर्स को एक्टिव और नॉन एक्टिव कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम बाकी तमाम लेयर्स को लॉक कर दें। मैंने लेयर्स को लॉक कर दिया है, अब क्या होगा कि वो डायरेक्टली, देखें मैंने कोई जो है वो लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन वो डायरेक्टली तमाम लॉक्ड लेयर्स को इग्नोर करके जो अनलॉक लेयर है फर्स्ट उस पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लॉक के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, विच इज मोर फिजिबल, और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप लॉक को ही यूज करें, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कोर्स आपको पता होना चाहिए कि तमाम चीजें क्या है, तो अभी इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया था, आपको समझ आ गई है। सर, लोगो मूव हो सकता है लाइक स्टार्ट में राइट टॉप पे हो और बिल्कुल मूव हो सकता है, और ये जो है ना हमारा शायद आई थिंक कल की क्लास है या परसों की क्लास, जिसमें हम इफेक्ट कंट्रोल्स की बात करेंगे। लोगो जो हमारे नेट, सपोज यहाँ पे है ना ये लोगो, मैं इसको विजिबल कर देता हूँ दोबारा। जैसे ये लोगो है ना, आप चाहते हैं कि स्टार्ट में इधर हो, स्टार्ट में जो है वो इधर हो और फिर कुछ टाइम बाद इधर आ जाए, फिर इधर आ जाए, इधर आ जाए। मैंने आपको जैसे बताया ना कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं ना अपने दिमाग में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। कुछ भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि कहते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, इतना इस सॉफ्टवेयर में पावर है। जो आप सोच रहे हैं उसको आप, जैसे एक इंसान लाइक एक ना पेंटिंग सोचता है, फिर वो उसके पास एक खाली कैनवस होता है ना, तो वो उस पर अपनी मर्जी की पेंटिंग बना सकता है। तो ये आपके पास एक कैनवस है जिसपे आप अपनी क्रिएटिविटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि जनाब, जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं इसको लेयर को जो है वो लॉक करके, आप चाहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जो आपका ये लोगो है ना, लोगो ये ऐसे ना आए, ये इस जगह से इंटर हो, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है यहाँ पे।
अब देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को ना, देखें वो लोगो एंटर हो गया यहाँ से, ठीक है समझ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना रुके, ये कुछ देर यहाँ पे रुके और फिर ये लोगो यहाँ पे रुके और फिर यहाँ पे आके जैसे वीडियो स्टार्ट की मैंने, यहाँ पे आया थोड़ी देर रुक गया एंड देन फिर ये लोगो यहाँ पे चला गया, सही है। तो ये कोई लाइक बहुत अच्छी एनिमेशन नहीं थी जो मैंने बनाई है, ये लाइक इतनी अपीलिंग नहीं थी, लेकिन एक सिंपल मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। वो कैसे मैंने किया ये हम बड़ी डिटेल में देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको कि इफेक्ट कंट्रोल्स की जो है वो हमारी क्लास, मुझे अभी मैं देखना पड़ेगा कि मैंने जब प्रिपेयर किया था तो वो कौन सी क्लास में था, लेकिन इस विंडो को जो हम देखेंगे ना तो ये तमाम चीजें हम देख रहे होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको जिन क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना एडवांस चीजें हैं, अभी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, ये चीजें तो क्या कहते हैं उसे आगे आएंगी जब हम टूल्स को कवर कर लेंगे। अच्छा मैं बात कर रहा था मेरे ख्याल से शायद इन ऑप्शंस की, मैं आपको ये ऑप्शंस बता दिए कि अच्छा अब हम नीचे आ जाते हैं। इसके लिए मुझे कुछ ना शायद ऑडियो ट्रैक लाना पड़े, लेकिन ऑडियो में लैग आएगा, तो जस्ट मैं अभी आपको बस बता देता हूँ वैसे ही कि अगर सेम जो तमाम बात मैंने ऊपर की है ना वही तमाम बातें नीचे में इम्प्लीमेंट हो रही है, कि ये जो आपका ऑप्शन है ये उसी तरह लॉक अनलॉक वाला, कि आप अगर ऑडियो पेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इस लेयर में पेस्ट हो तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और बाकी को तमाम को अनसेलेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि A3 में पेस्ट हो तो A3 में पेस्ट करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करके हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और एक और तरीका है कि लॉक कर दें सबको, वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अच्छा यहाँ पे दो चीजें तो हो गई, यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल का ऑप्शन था ना, देखिए मैं लेयर को यहाँ पे अनविजिबल कर रहा हूँ तो वो भी जैसे वीडियो गायब हो रही है। यहाँ पे जो है वो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि इस लेयर की जो ऑडियो है वो आपको सुनाई ना दे, नीचे वाली लेयर की ऑडियो सुनाई दे, और मेरे ख्याल से शायद इसके लिए आपको एग्जांपल की जरूरत है, बगैर एग्जांपल के आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास एसेट्स में क्या पड़ा हुआ है। जी जी आपने जो बात की ना वॉल्यूम कर कर सकते हैं, वही बात आ गई कि मैंने जैसे आपको बोला है ना कि आप बस एक चीज सोचें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, कुछ भी सोचें आप अपने जहन में और फिर आप चाहते हैं कि उसको मैं वीडियो को उस तरह एडिट करना चाह रहा हूँ तो वो तमाम चीजें पॉसिबल है इसमें। अच्छा जैसे मैंने ना यहाँ पे एक सिंपल सा एक म्यूजिक ट्रैक इंपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा ये मीटिंग का टाइम 1 मिनट रह गया तो ये भी एंड हो जाएगी, तो आपने उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मीनवाइल मैं कुछ एक और ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ।